नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली NCR में। दोस्तों, मैं हूं रंजीत। आज इस वीडियो में मैं आपको भागलपुर की सिल्क सिटी की फुटेज दिखाऊंगा और कोशिश की है हमने, ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे धागे को कलर किया जाता है, कपड़े को कैसे कलर किया जाता है और ये धागे कैसे बॉबिन बनते हैं, इसके रील में कैसे इसको डाला जाता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं इस वीडियो में आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे पैमाने पे भी इस तरह का काम करते हैं और कई सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे तय हैं सिल्क की साड़ियाँ, जो प्रॉस बहुत ही मेहनत है, बहुत ही मेहनत करते हैं इस हिसाब से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा क्योंकि मैं भागलपुर का ही हूँ और फिर भी मैं आज तक इस फैक्ट्री में कभी नहीं गया और मुझे पता भी नहीं था कैसे इस तरह की चीज़ें बनती है, कैसे कलर किया जाता है, कैसे धागे तैयार होते हैं। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार से ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है जो मैं यहाँ पर रहते हुए भी पहली बार देख रहा हूँ। और इन सभी बुनकरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे वीडियो शूट करने में। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। जैसा कि देख रहे हैं आप, इस तरह के गर्म पानी खौला के उसमें कलर डालते हैं और उसके बाद पक्का कलर तैयार किया जाता है जो इन कपड़ों के ऊपर आते हैं। बहुत सारे कपड़े बनने के बाद कलर किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे धागे होते हैं जिसे पहले कलर किया जाता है, उसके बाद उसको सुखा के, ये देखिए ये धागे हैं जो कलर करके और इसको निचोड़ के रखा हुआ है, ये सारे इस तरह के बंडल ही बंडल आते हैं ये पूरे। और जो सेकेंड प्रोसेस होता है, इसको धूप में सुखाया जाता है और हर कलर में, ये देखिए अलग अलग कलर में इसे कलर करके जैसा ऑर्डर आता है इन लोगों को उस तरह से कलर किया जाता है, इसे बड़े ही प्रॉपर तरीके से मैच किया जाता है। जिस तरह का आपका सिंपल होता है उसी तरह से ये लोग मैच करते हैं उस कलर को और फिर ये धूप में बांस के बड़े बड़े फट्टे पे इसे सुखाया जाता है धूप में। और कई बार बहुत दिक्कत होती है इन लोग को, जब मौसम ख़राब होता है तो काफ़ी टाइम लगता है इन्हें सूखने में और यही तरीका है। ये सारे जो देख रहे हैं आप, ये सारे कलर के सैंपल हैं नंबर वाइज। बहुत सारे ऐसे भी कलर हैं जैसा कि बता रहे थे कलर करने वाले, तो जो इससे हटके होता है तो उस तरह के कलर भी ये बनाते हैं यहाँ पे और कपड़े तैयार करते हैं। ये जो प्रोसेस देख रहे हैं सामने आप, ये बॉबिन तैयार हो रही है, ये छोटे बड़े दो तरह के बनते हैं और ये धागे को, इसमें जो कच्चे धागे होते हैं कलर किए हुए या बिना कलर किए हुए, जिस तरह का भी कपड़ा तैयार करना हो तो ये इसमें डाला जाता है। और यहाँ की लेडीज़ वगैरह जो होते हैं, पूरी फैमिली लगी हुई है इन कामों में। आप अगर भागलपुर कभी आना होगा आपका तो देखेंगे बहुत ही बड़े पैमाने पर पूरी फैमिली लगे होते हैं इन सब कामों में। औरतें भी हाथ बटाती हैं, ये लोग भी बहुत काम करते हैं और डेफिनेटली सैल्यूट करना होगा इन लेडीज़ को जो इतनी मेहनत करके और यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े तैयार करते हैं। और सिल्क के कपड़े पूरी दुनिया में भागलपुर सिल्क जाना जाता है और हर जगह यहाँ से माल जाता है। ये सारे देख रहे हैं बॉबिन्स वगैरह, ये सारे घूमते रहते हैं इस तरह के, ये रॉ हैं जो इससे बनाया जाता है। और ये बड़े बड़े जो देख रहे हैं ऊपर में आप, ये भी बनते हैं और छोटे भी बनते हैं। बड़े वाले को फिर दोबारा से प्रोसेस किया जाता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये छोटे वाले हैं और कुछ कलरफुल हैं जो कलर किया हुआ धागा है, कुछ ऐसे हैं जो प्लेन हैं। तो इसकी तैयार की जाती है इस तरह से, बॉबिन तैयार की जाती है। अगर ये धागा टूट जाता है तो मशीन अपने आप रुक जाती है यहाँ पे और दोबारा से धागा को जोड़ते हैं ये लोग, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है इन्हें। देख रहे हैं इस तरह से बहुत सारे, हर घर में यहाँ पे हमने देखा, हर घर में मशीन चलते रहते हैं इस तरह के हैंडलूम के और काफ़ी आवाज़ आती है। कुछ टाइम होता है इनका जो 1 बजे से 2 बजे तक का जो टाइम होता है वो लंच का होता है, उस टाइम में लगभग जितनी भी फैक्ट्रियां हैं बंद रहती है 1 घंटे के लिए और उसके बाद फिर से ये लोग काम पे लग जाते हैं। और इस तरह से देखिए कितने अच्छे इसे गांठ लगाया जाता है और अगर टूट गई तो दोबारा से जोड़ के फिर से इसे डाला जाता है और इस तरह से ये बॉबिन पूरी तैयार हो जाती है। इस तरह से रील बनता है इसका और इस तरह से काम चलते रहता है। बहुत
अच्छा लगेगा देख के आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कितनी मेहनत करके एक एक चीज़ जो आप पहनते हैं, सिल्क के कपड़े, सिल्क की साड़ियाँ, वो कितनी प्रोसेस से होके गुजरती है, उसके बाद आप तक पहुँचती है। और यही वजह है, जो ओरिजिनल सिल्क के होते हैं कपड़े, बहुत ही महंगे होते हैं, सभी लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते इसे। और इसकी जो मिक्सिंग होती है, जो सिल्क के जैसे ही दिखने वाले होते हैं, जिसे आर्ट सिल्क बोलते हैं, वो भी यहाँ पे तैयार होती है। जो सिल्क होते हैं ओरिजिनल, अगर 5,000 का है तो आर्ट सिल्क आपको 800-900 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो वो उसी का डुप्लीकेट होता है, मिक्सिंग होता है, उसमें प्योर सिल्क नहीं होते हैं और ये मिक्सिंग वाले होते हैं। और ये भी चलते हैं क्योंकि सभी लोग इतने महंगे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए इस तरह के भी यहाँ पे कपड़े तैयार किए जाते हैं। और ये देखिए, ये इस तरह से प्रोसेस चलता है इसका, और काफ़ी सारे रील इकट्ठे होते रहते हैं और आगे भी काम चलते रहता है इसका। ये देखिए, ये वाइट कलर वाले हैं, इसमें मोटे रील तैयार हो रहे हैं। जो मोटा वाला है ये देख रहे हैं आप, ये उसके ऊपर ये दोबारा से जो है इसको बड़े बड़े फ्रेम के ऊपर लगाया जाता है, और उसके बाद इस तरह के रील बन के तैयार होते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा साड़ी बनते हुए, किस तरह से सिल्क की साड़ी तैयार होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।